बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसका लक अच्छा होगा, किस्मत और मेहनत दोनों साथ। अब किस्मत को माने या फिर ना माने, लेकिन ये होता है। अब 500 बच्चों में जिसका लक अच्छा था वो पटना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया, हमारा नाम नहीं आया है, लेकिन हम इंटर में इससे अच्छा कोशिश करेंगे और जाएंगे। मतलब हमारा उम्मीद है कि हम टॉप 10 में आए और पटना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए भी जाए। क्या नाम है? सिमरन नाल जी। कितना नंबर है आपका? 455। 455 जी। इंटर में मैट्रिक में जी। कहाँ से क्लास की? मैं नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और मैं एक ही करियर एकेडमी से पढ़ा है भाई अमित सर। अच्छा, एक्सपेक्ट था कि इतना आपको नंबर आएगा? जी बिल्कुल एक्सपेक्ट था, बिकॉज हमारे टीचर हमारे यहाँ इतनी अच्छे से पढ़ाई होती है कि हमें इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, बट कुछ कारण से हमारे कुछ नंबर कटे हैं कुछ सब्जेक्ट में, बट हमें एक्सपेक्ट था कि हमारा इतना नंबर आएगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा, 455 लाइन है, ये उम्मीद नहीं है टॉप 10 में हम भी शामिल हो? और जी कमी रह गया? जी, हमारे अंदर ये ख्वाहिश थी कि हम भी टॉप 10 में शामिल हो, बट SST में हमारा थोड़ा नंबर कटा है। SST में मेरा ये सुदूर इलाका है मुझे लगता है शायद, तो यहाँ पर संभव है जो बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिल सके? जी ऐसा आपने सही कहा, यहाँ पर बहुत ही कम मतलब उपस्थित है जो अच्छे अच्छे कोचिंग और स्कूल की, बट हमारे यहाँ आप आइए नॉर्थ ईस्ट पब्लिक स्कूल, यहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, आपका हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से देखा जाता है। और हमारे यहाँ पास ही में एक करियर एकेडमी में अमित सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनके यहाँ अगर आप आएंगे तो आप टॉप 10 में कि आप बिहार टॉप भी कर सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई होती है। अच्छा, कौन से क्लास से आप पढ़ रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर मैं शुरू से यहीं पर पढ़ रही हूँ, नर्सरी से लेकर 10 तक। जी यहीं से पढ़ रही हूँ। क्या बनना, क्या पढ़ेगा आगे? मैं कॉमर्स लेना चाहती हूँ और कॉमर्स लेकर मैं बिजनेस के क्षेत्र में कुछ करूँगी। अच्छा, MBA करना चाहती हैं? जी। चलिए, आज हीना साहब का आगमन जानती हैं आप? जी जानती हूँ, और उनको देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई, वो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि उनके शुभ हाथों से हमें प्राइज दिया गया है। कौन? हीना साहब के शुभ हाथों से। हीना साहब शुभ हाथों से। जी, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम सानिया खातून है। कितना नंबर है? मेरा 452 मार्क्स है, जो कि पूरे परसेंटेज का 90.4% होता है। अच्छा, कौन से स्कूल में आपके सेंटर गया था?
मेरा सेंटर तो RBGR में गया था, कॉलेज है वो, लेकिन मैं अपने मार्क्स से थोड़ी सी असंतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने जितना लिखा था मुझे उतना मार्क्स शायद नहीं मिल पाया, लेकिन सफलता का श्रेय जो है वो मैं अपने माता पिता श्री को देना चाहूँगी जिन्होंने फिर भी वो बोल रहे हैं कि मतलब मैं थोड़ी सी असंतुष्ट हूँ, वैसे ये खराब मार्क्स नहीं है, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूँगी कि इंटर में मेरा उम्मीद है कि टॉप 10 में मैं जाऊँ। सबसे ज़्यादा नंबर आपका कौन से सब्जेक्ट में? मेरा उर्दू में है 96 मार्क्स है मेरा, 96 नंबर जी। नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैंने जब घर पे आके जोड़ा तो उर्दू में 100 आ रहा था जिसमें 96 आया, मैथ में कुछ ज़्यादा ही, 96 तो बहुत बढ़िया मार्क्स, हाँ बहुत बड़ी, और मैथ में मेरा 90 मार्क्स है जिसमें मतलब मुझे उम्मीद था कि मेरा 98 मार्क्स आ ही जाएगा। अच्छा, मैथ में 90 है जी, 90 मार्क्स है जी। क्या नाम है? सादा फ्रोही। कितना मार्क्स आया आपका? 425। कितना? 425। अच्छा, शुरू से क्लास कहाँ की? यहाँ पे ही कोई कोचिंग लगा रहा है? यहीं से। शुरू से यहीं से? हाँ। अच्छा, एक्सपेक्ट था कि तो नंबर आएगा आपको, उम्मीद था आपको इतना जी? कम तो नहीं आया आपके जो उम्मीद था उतने से? कम आया है। कितना कम आया आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा कम आया है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है बताइए? ब्यूटी सिंह। और किस क्लास में? 10th पास। कितने मार्क्स आए? 381 नंबर। सबसे ज़्यादा किस में नंबर है? सबसे ज़्यादा मेरा हिंदी में है। हिंदी में कितना है? हिंदी में, हिंदी में 92 है। 92। आगे चल के क्या बोलना चाहते हैं? आगे चल के बैंक मैनेजर। आपका नाम क्या है? जिया गुप्ता। हाँ, जिया गुप्ता जी। कितना नंबर आया आपका? 376। 376। क्या लग रहा था आपको? क्या पहले से मालूम था कि इतना नंबर आएगा आपका? जी, मेरा इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट था। तो यहाँ पे सभी लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है पहले से ज़्यादा था, कम क्यों आ गया है? तो आप लोगों ने रीचेक में क्यों नहीं डाला है? नहीं तो वो रीचेक में, सर रीचेक में डालने से वो कम आ जाएगा, मालूम है ना? जी सर, कम भी हो सकता है, दो नंबर बढ़ भी सकता है, दो नंबर घट भी सकता है। जी सर, पूरा क्रांति था कि हमारा नंबर मार्क्स बढ़ेगा, बट हमारे शिक्षकों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि 500 मार्क्स, बताया कि नहीं, हमें समझाया कि अब जितना आया उतने में ही तुम लोग खुश रहो, रीचेक मत देखो, आगे तुम लोग मेहनत करना, आगे बढ़ना, आगे के बारे में सोचो, जो पीछे हो गया उसे। कितना नंबर आया? 363। कितना? 363। अच्छा अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं अपने नंबर से? नहीं। क्या कहेंगे जो बच्चे अभी तैयारी करें, 9th में है, 5th में है, 6th में है, वो कैसे तैयारी करें कि उनका नंबर बेहतर आ पाए? मैं बोलूँगी कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पे ध्यान दे, अच्छे से अच्छा तैयारी करें, अपने टीचरों का बात माने। बहुत लोग होते हैं जो मतलब सिर्फ खुद से पढ़ाई करते हैं और स्कूल में नहीं आते हैं, और स्कूल में नहीं आते हैं और टीचरों का बात नहीं मानते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने टीचरों को ज़्यादा से ज़्यादा, टीचर उनको सपोर्ट करे और वो टीचर से, टीचर उन पे ध्यान दे और वो भी मतलब अच्छे से तैयारी करे। तभी नॉर्थ ईस्टर स्कूल में कैसी तैयारी कराई गई थी? बहुत अच्छी तैयारी कराई गई थी। बाबू, आपका नाम क्या है? खुशनगर परवीन। कितने नंबर आए हैं? 423। 423 किस में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं आपके? मेरा साइंस और उर्दू में मतलब दोनों सेम है, 92 जी। अच्छा, कैसी तैयारी कराई गई थी नॉर्थ ईस्टर स्कूल में? यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी कराई गई थी और मतलब मोटिवेट भी किया गया था यहाँ से, ताकि हम सेल्फ स्टडी भी करें, मतलब ये लोग मोटिवेट करता था लोग कि तुम लोग सेल्फ स्टडी करो, और स्कूल से भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया गया है, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे सारे टीचर्स। आपके जिले का एक लड़का पूरे बिहार में 10+2 में टॉप किया है साइंस से, ठीक है? पता है आप लोगों को क्या नाम है? हाँ, मृत्युंजय। क्या बनना है आगे चलते आपको? हम आगे जाके प्रोफेसर की तैयारी करेंगे जी। क्या नाम पड़ गया बाबू? बेबी गाजन। नंबर कितना है? 314। 314। नाम क्या है? अर्चना कुमारी। नंबर कितना है? 391। चलिए, आपसे पड़ेगा बाबू? अनिशा कुमारी। अच्छा, कितने नंबर आए आपके? 422। 422 है। लग रहा है जो कम रह गया है नंबर, इससे ज्यादा आना चाहिए जी, इसका कसर आगे चल के निकालिएगा इंटरव्यू में। हाँ, जरूर निकालेंगे। क्या बनना है आपको? टीचर। टीचर? टीचर ही बनना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बनना चाहती हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहती हैं? उसकी तैयारी बहुत कठिन होता है, क्या घर से इतना सहयोग मिल पाएगा? घर वाले तैयार हैं? मैं अपने घर से ही तैयारी करूँगी, और अगर मेरे फैमिली का ये जो इकोनॉमिक स्थिति है वो थोड़ा आगे अच्छी बढ़ जाए तो मैं कोशिश करूँगी कहीं जाकर पढ़ूँ। लेकिन पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी शॉपकीपर हैं, दुकान चलाते हैं, खुद का दुकान है। क्या चीज़ का दुकान चलाते हैं? लोहा का। लोहा? अच्छा, लोहा वगैरह का। तो आप IAS क्यों बनना चाहती हैं? जॉब तो बहुत सारा है पूरे दुनिया में। हाँ जी, मैं IAS इसलिए बनना चाहती हूँ, मैं ना शुरू से सोचती हूँ कि मैं एक बदलाव जरूर करूँ, अगर मैं उस मुकाम तक पहुँच गई तो मैं जरूर करूँगी। क्या बदलाव करना चाहती हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये बड़ा बड़ा जो कोई
कोर्स होता है जैसे बीएड वेड का, तो इसमें लोग सोचते हैं कि हम सरकारी कॉलेज से लें ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें कम पैसा लगता है। लेकिन ये जो टेंथ ये सब स्कूल है उसमें सोचा जाता है कि हम प्राइवेट से ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें, तो ये क्यों प्राइवेट ही क्यों, और हम सरकारी में इतना ना कर दें कि जो सरकारी में एडमिशन ना हो सके तब बच्चे प्राइवेट में जाएँ। इसे प्राइवेट में पढ़ाने से ये जो जितने भी हमारे, हम तो मिडिल फैमिली हम लोग चल जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे लेवल की फैमिली है वो चाह कर। बाबू क्या नाम पड़ेगा? अंजलि गुप्ता। कितना नंबर है? 301। 301। 301 है, कहाँ कमी रह गई थी? लगता है जो इतने मार्क्स पे संतुष्ट हैं आप? नहीं है? नहीं। अच्छा, तो अगली बार इंटर में इससे ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं? जी, अगली बार इससे भी ज़्यादा। नॉर्थ स्टार स्कूल में कैसी तैयारी कराई जाती है? बहुत अच्छा तैयारी कराई गई थी। सभी शिक्षक वर्ग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? बहुत अच्छा। सर, आज आपके स्कूल में प्राइज वितरण समारोह था, आज सिवान के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी हिना साहब आई थी, क्या कहेंगे सबसे पहले? मैं स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल शौकत हैदर, नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल जो चाँड़ी में स्थित है, बढ़हरिया ब्लॉक में, इसके मैं डायरेक्टर भी हूं और मैं बढ़हरिया ब्लॉक के शिक्षा विभाग पासवा के सेक्रेटरी भी हूं, और हमारे बढ़हरिया ब्लॉक के पासवा के प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष जो हैं सामने बैठे हैं मनोज मोर सर, और ये सर हमारे सहयोगी हैं, और हम लोग बहुत शिक्षक में मेहनत करते हैं, और प्राइवेट स्कूल के एक हम लोग यूनियन है, यूनियन से जोड़कर सभी स्कूल को हम लोग बार बार ये दबाव देते हैं कि हम लोग टॉप में आए। बढ़हरिया ब्लॉक में बार बार बैठक होता है, जिस बैठक में चड़कियाँ से लेकर के एफएस से लेकर के सर कोचिंग से लेकर के सभी स्कूल में हम लोग बैठक करते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्राइस हर साल बिहार में ही आए। मृत्युंजय कुमार जो आया था वो 71 नंबर लाया था मैट्रिक में, 4 से 71। उसके बाद हम लोग बैठक किए थे 15 नंबर स्थान, हाँ मैट्रिक में, तो हम लोग बैठक किए कि हम लोग मैट्रिक इंटर में बच्चों को टॉप कराएं, और हर कोचिंग पर जा करके हम लोग यही काम ही है, स्कूल चलाना, डायरेक्टिंग करना, और सेक्रेटरी अध्यक्ष को पूरे जिला और ब्लॉक में घूम घूम के अपना कर्तव्य को निभाना हम लोग निभाते हैं, और बहुत बच्चों को रिस्पेक्ट दे करके पढ़ाना, बच्चों के मदारी की तरह खेल खिला करके पढ़ाना, और बच्चे वादा किए थे, हम लोग भी वादा किए थे कि रात को तुम लोग क्वेश्चन करेगा तो हम लोग आंसर देने के लिए तैयार है, तो बहुत बच्चे बोले थे कि हम ये बिहार टॉपर लाएंगे, और बहुत खुशी हुआ कि 10 और 10+2 में एक बच्चा तो जरूर लाया बिहार टॉपर, और हमारे स्कूल नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल के सभी बच्चियाँ मृत्युंजय कुमार जैसा ही लाना चाहती थी पहले से, मगर बहुत मेहनत की, बैठ के बच्ची रो रही थी जिसका 455 नंबर आया है वो 482 के जोड़ करके रखी थी, ये उम्मीद था। बच्चियाँ तेज हैं, हमेशा पढ़ने के बाद से 2 घंटा डाउट सॉल्विंग रूम में बैठती है और टीचर लोगों से, गुरु लोगों से पूछती है, हम लोगों का एक यूनियन के हिसाब से स्कूल के रूल रेगुलेशन के हिसाब से मीटिंग करते हैं, प्रत्येक हफ्ता में हम लोग मीटिंग करते हैं, टीचर को बैठाते हैं किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों को क्वेश्चन आंसर करना है, बच्चों को ओरल वाइवा पूछना है। स्कूल का नेव हम जमीन लिए 2002 में नेव दिए और बहुत मुश्किल से ये जमीन को खरीदा गया, खरीद करके स्कूल के ही पर्पस से ही खरीदा गया, स्कूल का नेव दिया गया, और इसका ओपनिंग किए 1 जनवरी 2005 में, जिसमें ओपनिंग करता हमारे पिताजी डॉक्टर नूरलैन साहब थे और वीरेंद्र यादव प्रोफेसर, डॉक्टर दरोगा राय कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर वीरेंद्र यादव थे, और हमारे गुरु के गुरु जमीन साहब थे जिन्होंने इसको ओपनिंग किया था, और उन लोगों का ओपनिंग का इतना बेहतर जश्न था, इतना बेहतर शुरुआत था, हमारे स्कूल उसी वक्त से डेवलप करते गया, आज तक हमारे बच्चे अच्छे नंबर 400 से ऊपर नंबर लाते गए, हर साल सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं। इस साल कितने बच्चे बोर्ड में बैठे हुए थे मैट्रिक में? इस साल हमारे बोर्ड में बच्चे बैठे हुए थे लगभग 50-52 बैठे थे, कितना सफल हुए, जिसमें टोटली के टोटली पास है, सब फर्स्ट आए हैं, जिसमें 400 से ऊपर हमारे बच्चे 32 बच्चे 400 से ऊपर नंबर लाए, 32 हाँ 432 लाए, 32 बच्चे 400 से ऊपर लाए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल यही करेंगे कि आपने सर जब मंच को संबोधन कर रहे थे आप वहाँ से घोषणा किया कि जितने बच्चे नंबर लाएंगे उसके हिसाब से उनको फी रिटर्न किया जाएगा और एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअल में क्या मैनिफेस्टो था आपका? जी, मेरा मैनिफेस्टो है कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ कहीं से भी 2 पैसा जमा करते हो अगर मेहनत करते हो तो सरकारी और प्राइवेट का भेदभाव मिटाने के लिए हम बोलते हैं कि जो बच्चा हमारा टॉपर करेगा
जो बच्चा 99% नंबर लाएगा उसका टोटल फी नर्सरी टू टेंथ तक मैं वापस कर दूंगा और इंटर की पढ़ाई अपने पैसा से मैं कराऊंगा। दूसरा 95 से ऊपर लाएगा तो उस बच्चों का पूरा फी प्लस फॉर्म का पैसा वापस कर दूंगा। जो बच्चा 90 एबव लाएगा उन लोगों का टोटल फॉर्म का पैसा मैं वापस करता हूँ हर साल और करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। और गरीब बच्चों को भी मैं फ्री में पढ़ाता हूँ जी, इस स्कूल में जी सीबीएसई पैटर्न है, फ्री में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा जो स्कूल है नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल, जिसका डायरेक्टर शौकत हैदर है, ये चाँडी बाजार में स्थित है, सिकंदरपुर पंचायत में, बड़रिया ब्लॉक तरवारा थारा सिवान जिला बिहार में ये स्थित है। सर शिक्षक लोगों के लिए मुझे लग रहा है त्यौहार माना जाता है, जिस सम्मान समारोह होता है बच्चों को सम्मान दिया जाता है, वहाँ से बच्चे खुद अपना रास्ता चुन लेते हैं, आज सम्मान समारोह था इस स्कूल में क्या कहेंगे इसके उपलक्ष्य में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद अपना दर्शकगण का धन्यवाद देता हूँ और मैं अपना संक्षिप्त परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं मनोज कुमार मौर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक एजुकेशन सेंटर बहादुरपुर बाजार स प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाए हैं उनका पहला बोर्ड एग्ज़ाम था, हम लोग उनके हौसला अफजाई के लिए कि अभी और बहुत से एग्ज़ाम उनको देनी है तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए पुरस्कार वितरण किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है कि बच्चे आगे चलकर कुछ और अच्छा करें और अच्छा जब करेंगे तो उनके माता पिता भी खुश होंगे और विद्यालय भी खुश होगा और नाम उस लोकल का क्षेत्र का भी होगा।